अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी विच इज ग्रैम नेगेटिव कोकाई। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो ग्रैम पॉजिटिव कोकाई पढ़े हैं। पॉजिटिव कोकाई में हमारे पास कौन कौन से थे? स्टेफलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा ग्रैम नेगेटिव कोकाई के बारे में तो फौरन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वो निजेरिया ही हो सकता है। निजेरिया के अलावा कोई भी ग्रैम नेगेटिव कोकाई नहीं है। सारे ग्रैम नेगेटिव रॉड जरूर हैं आगे, ठीक है, वो बहुत सारे आएंगे, शिगेला साल्मोनेला बहुत सारे आएंगे, ठीक है। लेकिन ग्रैम पॉजिटिव कोकाई नेगेटिव कोकाई, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ निजेरिया है। ठीक है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको बाकियों से डिफ्रेंशिएट करती हैं। इसकी आगे से ना दो टाइप्स होती हैं, वो भी आगे एक दूसरे से डिफर करती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं। ठीक है, निजेरिया गनोरी और निजेरिया मेनिनजिटिडस, दो इसके आगे सब टाइप्स हैं। ठीक है, निजेरिया ही, निजेरिया जब भी आएगा ग्राम नेगेटिव कोकाई है। आगे इसकी दो टाइप्स हैं, निजेरिया गनोरी और निजेरिया मेनिनजिटिडस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के अंदर कॉमन चीजें कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन कॉमन बातें पढ़ेंगे जो दोनों के अंदर होनी है, बेशक निजेरिया मेनिनजिटिडस है बेशक गनोरी है। पहले हम इनके कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे, देन हम इसके सेपरेटली फीचर्स पे आएंगे और सीक्वेंस हमने वही फॉलो करनी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वाली। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रांसमिशन पे, ट्रांसमिशन के बाद उसकी पैथोजेनेसिस, विरुलेंस फैक्टर्स। ठीक है, देन हम आएंगे उसके ऊपर क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, देन हम एंड पे उसकी लैब डायग्नोसिस पे आएंगे। लैब डायग्नोसिस के अंदर आपको मैं फिर बताती चलूं, उसके अंदर पांच चीजें हमने करनी है। सबसे पहले स्पेसिमन कलेक्शन, देन उसके बाद हमने उसकी ग्राम स्टेनिंग करनी है, ग्राम स्टेनिंग के बाद हमने उसकी माइक्रोस्कोपी करनी है, माइक्रोस्कोपी करने के बाद उसको कल्चर बनाना है, कल्चर के बाद हमने उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर लेने हैं। ठीक है, ये हम जनरल सा लेआउट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम इनको दोनों के कॉमन फीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉमन इनमें सब में क्या है दोनों में, जो गनोरी और मेनिनजिटिडस में? गनोरी जो है ना और मेनिनजिटिडस दोनों निजेरिया के ही टाइप्स हैं, और इसमें कॉमन फीचर ये है कि दोनों ही ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हैं। डिप्लोकोकाई मतलब है तो गोल लेकिन पेयर्स की फॉर्म में, दोनों ही ऐसे पेयर्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगे हमारे पास। ओके, हमने भी बात करे थे कि ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई की। ठीक है, डिप्लोकोकाई मतलब पेयर्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। डिप्लोकोकाई दो दो कोकाई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, लेकिन ये होंगे ग्राम नेगेटिव नॉट ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद ये कि एक इन दोनों का कॉमन फीचर है ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव ये दोनों ही देंगे आपकी निजेरिया गनोरी भी और निजेरिया मेनिनजिटिडस भी। जब हम इसका पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जब इनकी कॉलोनीज को हम एक्सपोज करवाएंगे फिनाइल डायामीन के साथ तो वो पर्पल या ब्लैक कलर देंगी। ठीक है, वो पेपर के ऊपर हम करते हैं इसको, फिल्टर पेपर के ऊपर हम ये टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर हम इसकी कॉलोनीज लेते हैं। कॉलोनीज लेने के बाद हम इसके ऊपर वो ऑक्सीडेज रिएजेंट डालते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फिनाइल डायामीन। तो अगर पर्पल कलर का कलर दे दे या ब्लैकिश सा, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करवा देते ना एंजाइम, जो अगर गनोरी या इनमें से कोई होगा ना तो फौरन वो ऑक्सीडेज डिएजेंट ये जो है इसको जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन करवा के अपने एंजाइम के जरिए, क्योंकि उसके पास ऑक्सीडेज एंजाइम है, इसको इसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे और कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दूसरी चीज हो गई जो इनके दोनों के अंदर कॉमन फीचर है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपको सिनेरियो में भी ये पॉइंट बना के पूछा जा सकता है कि ये जो होते हैं ना निजेरिया, ये ब्लड डैगर पे कभी भी ग्रो नहीं कराने। ठीक है, ब्लड डैगर पे ग्रो कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि ब्लड डैगर में आपको पता है फैटी एसिड्स भी होते हैं, टॉक्सिक ट्रेस मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, ब्लड डैगर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी ग्रोथ जो होती है ना निजेरिया वगैरह की, ये इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, इसलिए कभी भी इसको ब्लड डैगर पे ग्रो नहीं कराना। चौथी बात, इसके लिए हम स्पेशली एगर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं चॉकलेट एगर। चॉकलेट एगर कैसे बनता है? हम ब्लड डैगर को जब हीट करते हैं ना, जब उसको हीट करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपके फैटी एसिड्स वगैरह है वो कोगुलेट हो जाते हैं, सब उस तरह जो है ना ब्लड डैगर को हीट करने के बाद नॉर्मली वो जो कंसिस्टेंट जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए हम इसको चॉकलेट एगर पे ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर उसी चॉकलेट एगर के अंदर हम तीन चीजें मिक्स कर देंगे, बात याद रखनी है, तीन चीजें VPN,
ठीक है, VPN हम इसको V से वैंकोमाइसिन, P से पॉलीमिक्सिन, N से नायास्टेटिन। VPN का मतलब ये है वैंकोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन एंड नायास्टेटिन। तीनों को जब हम चॉकलेट एगर में मिक्स कर देते हैं ना तो वो एक एगर बनता है, उसको हम कहते हैं VPN एगर या थायर मार्टिन एगर। वो स्पेसिफिकली आपके निजेरिया की ग्रोथ के लिए ही स्पेसिफिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये MCQs में भी पूछी जाती है, आपके सिनेरियो में इस चीज का जिक्र किया जाता है कि ऐसी कोई चीज है जो थायर मार्टिन एगर पे ग्रो कर रही है। ठीक है, डायरेक्टली नाम नहीं बताएंगे, आपको गेस करना होगा उसी एक की पॉइंट से कि ये निजेरिया है। ठीक हो गया, हम जो है ना इससे ये जो था चॉकलेट एगर है वो हम जब ब्लड एगर से बनाते हैं, ब्लड एगर को हम 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तब बनता है चॉकलेट एगर। उसमें हम जब ये चीजें डाल देंगे वैंकोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन, नायास्टेटिन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, VPN एगर। ठीक है, अब हमारे पास तीन बातें होंगी, डिप्लोकोकाई, ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड देन चॉकलेट एगर और VPN एगर वाली बात। ठीक है, देन हमने बात करनी है कि जिन लोगों के अंदर कम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी है, C5 to C9 कम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, उन लोगों वो लोग जो होते हैं मैक कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। ठीक है, मैक्रोफेज के साथ जो जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, आपके बैक्टीरिया बाहर से आया है तो मैक्रोफेज उसको इंगल्फ करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं काम कर रहा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं काम कर रहा, आपके पास कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जो आते हैं C3b ऑक्सीडाइजेशन के लिए, ठीक है, C5a जो न्यूट्रोफिल्स को इकट्ठा करवाते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल को इकट्ठा कराने के अंदर उनका रोल होता है, जो कम्प्लीमेंट सिस्टम काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि मैक्रोफेजेस जो होंगे जाके इंगल्फ नहीं कर सकेंगे आपके निजेरिया को, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। पांचवी बात, इनके अंदर लिपो पॉलीसेक्राइड नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि जो होता है ना आपके जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनके सेल वॉल के अंदर होता है लिपो पॉलीसेक्राइड, ठीक है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में होता है टिकोइक एसिड। अब जो लिपोपॉलीसेक्राइड है ना वो इसका एक विरुलेंस फैक्टर है जो कि आपकी जो ऑर्गेनिज्म है उसके इन्फेक्शन करने के अंदर रोल प्ले करता है और एंडोटॉक्सिन के तौर पे काम करता है लिपोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, एंडोटॉक्सिन मतलब जब बैक्टीरिया की डेथ होगी ना ग्रैम नेगेटिव वाले की, तो उसकी सेल वॉल में से एक ऐसी चीज एंडोटॉक्सिन रिलीज तब होगा जिसकी वजह से उस बंदे के अंदर सिम्टम्स अपीयर होने चाहिए, फीवर है, शॉक हो जाएगा, इस तरह के सिम्टम्स आने चाहिए, DIC हो जाएगा, ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे एंडोटॉक्सिन की वजह से। लेकिन एक बात याद रखनी है, सारे के सारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स सब के अंदर LPS होता है, ठीक है, लिपोपॉलीसेक्राइड एज एंडोटॉक्सिन, लेकिन आपके निजेरिया के अंदर लिपो पॉलीसेक्राइड के बजाय लिपो ओलिगोसेक्राइड होता है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट चीजें इसलिए की हुई है कि सारी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट है। LOS याद रखना है कि लिपो ओलिगोसेक्राइड होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि लिपिड ए होता है LPS LOS दोनों में, लेकिन क्या होता है लिपो ओलिगोसेक्राइड में थोड़ी सी शुगर्स होती हैं, लेकिन लिपो पॉलीसेक्राइड में क्या होता है चेन्स ऑफ शुगर्स होती हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। बस ये बात रखनी है, LOS जहां पे आया था निजेरिया पे फौरन जाने आपने। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम पॉइंट्स अपने विरुलेंस फैक्टर की बात कर रहे हैं। विरुलेंस फैक्टर में ना जो दोनों में कॉमन है, पिल्लाए दोनों के पास है, पिल्लाए का काम क्या होता है एडहेरेंस में हेल्प करते हैं, एडहेरेंस में मेजर विरुलेंस फैक्टर है। इसने क्या करना है, म्यूकोजल सर्फेसिस है ना जो बॉडी के अंदर उनके साथ जाके एडहेर कर जाना है, और क्या कहते हैं कि इनकी स्पेसिफिक जेनेटिक अरेंजमेंट होती है और ये ना एंटीजेनिक वेरिएशन शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल अभी जिस फॉर्म में अपीयर हुआ है नेक्स्ट टाइम वो किसी और फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, अपने एंटीजन वेरिएशन कर देगा, जिसकी वजह से उसके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन बनाना मुश्किल हो जाता है, इम्यून सिस्टम उसको जल्दी टारगेट नहीं कर सकता। दूसरा विरुलेंस फैक्टर इसका IgA प्रोटीएज, ठीक है, अब IgA प्रोटीएज क्या करता है, जो आपका होता है ना IgA बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, ठीक है, ये देखें IgA एंटीबॉडी है ना, समझ लेंगे IgA, इसकी IgA के जो हिंज रीजन होता है ना वो उसकी वहां पे जाके, अब ये वहां यहाँ ये वाला समझे पोर्शन है, यहां पे जाके आएगा और अटैच हो उसको हिंज रीजन को क्लीव करना शुरू कर देगा। ठीक है, आपकी IgA एंटीबॉडी को क्लीव करना शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका सर्वाइवल म्यूकोजल सर्फेसिस के ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यूकोजल सर्फेसिस के ऊपर IgA होती है जो वहां पे प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसने जाके उसका प्रोटीज है जाके उसको हिंज रीजन पे जाके क्लीव कर देना है, और क्या होना है कि इसने अपना सर्वाइवल उनकी म्यूकोजल सर्फेसिस के खिलाफ बढ़ा देना है। ठीक है, यहां तक हमारे कॉमन फीचर्स हैं, नेक्स्ट हम बाकी दूसरी वीडियो में करते हैं।